नमस्कार। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। एस माइनस टी बराबर 3 और एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6। बच्चों, हमें प्रतिस्थापन विधि से इस इक्वेशन को हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। जैसे हमने पिछले भाग में देखा था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पे हम लिख लेंगे आमने सामने। प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो अब हम इसमें से एक में से एस की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा आसान है, हम यही इसी को हम तोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों इक्वेशनों को नाम दे देंगे। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। आइए अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये एस है बराबर, ये है 3। टी यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टी यहाँ पे माइनस हो रहा था, जब ये माइनस टी था उधर जाके हो गया प्लस टी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एस, ये एस की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 को हल करके निकाली, तो अब हम इसे इक्वेशन 2 में डालेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 में से निकाली थी तो 1 में डाला था। किसी को भी तोड़ सकते हैं, जो इजी लगे उसको तोड़ दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन, किस में डालने, ये तो अभी आई है ना, 1 और 2 था, 1 को हल करके एस की वैल्यू निकाली, तो उसको 2 में डाल दो इन इक्वेशन 2। तो अब देखिए एस की जगह मुझे लिखना है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी बटा, एस के नीचे क्या है, 3, प्लस आगे है टी बटा 2 बराबर आगे है 6। अब मुझे इसे हल करना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इस लघुत्तम को नीचे वाले से भाग करते हैं, जो उत्तर आता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। तो 6 को 3 से भाग करके आया 2, ये 2 गुना हो जाएगा ऊपर वाली रकम से, ऊपर रकम है 3 प्लस टी। 6 को 2 से भाग करके आया 3, 3 ऊपर गुना हो जाएगा टी से बराबर आगे है 6। इसे अब हम हल करेंगे। सबसे पहले ये 6 जो है ये इधर भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो यहाँ 6 पहले से है, उसके साथ ये 6 गुना हो जाएगा। दोबारा समझ लो, ये वाला 6 इस पूरी रकम के साथ भाग हो रहा था, उधर जाकर यह इस 6 के साथ गुना हो जाएगा। यहाँ बाकी क्या बच गया, यहाँ देखिए ये 2 है, ये 3 से भी गुना होगा और टी से भी गुना होगा, 3 से भी गुना होगा, टी से भी गुना होगा। 2 गुना 3 होता है 6, प्लस 2 गुना टी होगा 2 टी, प्लस 3 गुना टी होगा 3 टी। अब क्या करेंगे, 6 छिके 36, 6 इधर प्लस हो रहा है इसके साथ, उधर जाके हो जाएगा माइनस, यहाँ बच गया 2t प्लस 3t, 2 में 3 प्लस किया ये आ गया 5t। तो आगे देखिए 5t बराबर 36 माइनस 6 निकाल दिया 30, t आ गया 30, 5 इधर गुना हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा भाग। ठीक है बच्चों, 5 गुना हो रहा था यहाँ पे, उधर जाके हो गया भाग। तो इसको हम काट सकते हैं, 5 से 6 कट 30 कट जाएगा, 6 के पहाड़े पे 5 6 30। तो इसका मतलब टी का मान आ गया 6, टी का मान आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, टी के मान को कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 3 में। पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3। क्यों डालेंगे 3 में, क्योंकि इसमें डालने से हमें एस पता चल जाएगा। यहां देखिए एस बराबर कितना है, 3 प्लस टी, एस बराबर 3 प्लस टी, तो एस बराबर 3 प्लस टी। टी अभी हमने निकाला कितना आया, 6, तो टी की जगह लिख देंगे 6, तो एस बराबर आ जाएगा 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 3 9। तो हमने इस समीकरण को हल करना था प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन क्या है, हमने एक इक्वेशन को हल करके एस की वैल्यू निकाली, उसी को हमने दूसरी इक्वेशन में डाला, इसे ही प्रतिस्थापन विधि कहते हैं।
तो अंत में हमारे पास एस आ गया है 9 और टी आ गया है 6। यही इस समीकरण का हल है, यही इस समीकरण का हल है। समीकरण यदि एक्स वाई में है तो एक्स वाई की वैल्यू निकालो, एस और टी में है तो एस और टी की वैल्यू निकालो। तो एस 9 और टी 6 हमने निकाल दिया, यही इस समीकरण का हल है। तो ये बच्चों प्रतिस्थापन विधि है जिससे कि हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये भाग समझ आया होगा। यदि अच्छे से समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।